अंबिकापुर के गाड़ा घाट शराब दुकान के सामने भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पूर्णतः शराबबंदी को लेकर वादा किया था, लेकिन अब तक शराबबंदी नहीं हुई है, जिसे देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान का शटर गिराकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार आने से पहले इस सरकार ने पूर्णतः शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन शराबबंदी नहीं होने की वजह से शराब के नशे में छेड़छाड़, बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। साथ ही शराब के नशे में कोई अपना बेटा खो रहा है तो कोई अपना पति। यही वजह है कि आज शराब दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन कर अपने किए गए वादे को याद दिलाया जा रहा है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार पूर्णतः शराबबंदी नहीं करती है तो आने वाले समय में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आज भारतीय जनता महिला मोर्चा के बैनर तले जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने से पहले गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेकर के कसम खाई थी कि पूर्ण शराबबंदी पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में होनी है, पर हम उल्टा देख रहे हैं। कोरोना काल में मेडिसिन्स और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके इन्होंने शराब का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। घर घर ऑनलाइन शराब ये पहुँचाने का निंदनीय निम्न स्तरीय कार्य कर रहे हैं, पर आज पूर्णतः पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो है वो पुनः जाग चुकी हैं और उस किए हुए वादे को याद दिलाने के लिए आज महिला मोर्चा रोड पर उतरी है और स्थानीय इस दारू भट्टे को बंद करवा करके एक सांकेतिक रूप से अभी हमने आह्वान किया है कि आप पुनः अपने वादे को स्मरण कर लें, अन्यथा हम महिला मोर्चा की बहनें, हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें, समस्त बहनें रायपुर जा करके उनके निवास का घेराव जल्द ही कर पूर्ण शराबबंदी का वादा हम पूरा करवाएंगे। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार जब बनी 36 वादा किए, जिसमें छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था और आज तक उन्होंने किया नहीं। इसके विरोध में प्रदेश के नेतृत्व शालिनी दीदी के निर्देश अनुसार आज सरगुजा की महिला मोर्चा आज गाड़ा घाट की शराब दुकान की घेरावा का कार्यक्रम रखे हैं और भूपेश सरकार सभी महिलाओं को छला है। आज नशा शराब की वजह से आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कई सारी हमारे बेटियों के साथ, हम महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे कई सारे घिनौने हरकत हो रहा है और हमारे युवा साथी, हमारे भाई शराब की नशे में कई जगह दुर्घटना हो रही है और हर परिवार अपना बेटा खो रहा है, कोई पति खो रहा है, कोई भाई खो रहा है और इसकी साह देने वाले भूपेश सरकार हैं। ना वो बेटियों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना भाइयों की रक्षा कर पा रहे हैं, ना अपने माँ की रक्षा कर पा रहे हैं। ऐसी ना करने से हम भूपेश बघेल जी से को कहते हैं कि आप हमारे बेटियों का रक्षा नहीं कर पाते, अपने बहनों का रक्षा नहीं कर पाते हैं, ना युवाओं का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप महत्वपूर्ण सीट में क्यों बैठे हैं? आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और महिलाओं का अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो हम राजधानी में जाके पूरे छत्तीसगढ़ के महिला उनका निवास का घेरावा करेंगे और उनको चेतावनी देंगे कि आप उनका वादा पूरा करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।